back to the another episode of In Conversation with the Future Leaders. So today in this episode, I have a very special guest, Nitish Singh, and he is a mountaineer, a photographer, and an athlete. And at the age of 21, he successfully climbed the height of 6,200 meters at the Mount Everest, and he also climbed the Stock Kangri. So I'm waiting for Nitish to join in. Hi, how are you? All good. I think everything is good there, right? हाँ ठीक ही ठाक है. कोरोना है तो कुछ कह नहीं सकते. Okay, so let's start this. So Nitish, like जब भी एक student school से college में जाता है, so they think college will be like Karan Johar movie, fashion, luxury and everything. But it's totally different from that, right? So how was your experience in Kirorimal College for 3 years? देखो लाइफ तो मतलब हर किसी के में है कि 12th तक जब पढ़ते हैं तो फिर मूवीज वगैरह में देखा हमने कि कॉलेज में जाएंगे, अलग अलग चीजें होती हैं, एकदम मूवी की तरह सिनेरियो होता है. बट होता क्या है, वहाँ पे चीजें एकदम डिफरेंट होती हैं. वहाँ पे फिर पहुंचने के बाद ना जिंदगी जैसे कि एक रेस सी हो जाती है कि तुम्हें या तो 3 साल, मैंने अपने 3 सालों में क्या किया, या तो तुम 3 सालों में कुछ चीजें एक्सप्लोर कर लो, खुद को एक्सप्लोर कर लो, या फिर बाकियों की तरह घूम लो फिर लो और टाइम पास कर लो. लाइक बहुत कुछ था और चीजें हुई भी हैं मेरे साथ, लाइक कि एक्सप्लोर किया है मैंने खुद को भी और चीजों को भी. और कॉलेज लाइफ में तो अच्छा होता है कि नए लोग मिलते हैं हर एक जगह के, एंड बीइंग इन किरोड़ीमल कॉलेज तो ऑल ओवर इंडिया के लोग आते हैं वहाँ पे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इंसान अगर सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है. So like what was your best memories from college? Best memories कहें तो फिर 4th semester मैंने एग्जाम छोड़ा था, that was for like Everest के लिए. Okay. उसे ही कह सकते हैं क्योंकि लाइफ में हर एक चीज भूल सकता हूँ लेकिन वो चीज नहीं. फोर सेमेस्टर पूरा छोड़ना और किसी चीज के लिए, एंड सेकंड पार्ट वाज लाइक कि लास्ट के 6th semester में, लाइक आई वाज लाइक कि 9 exams थे और 13 days में मैंने सारे के सारे कवर अप किए, जिसमें से मेरे 5 bags थी. मैंने 13 days. तो ये 2 memories मेरे लिए लाइफ में है बहुत ज्यादा बड़ी. ओके, सो लाइक मोस्टली हमने देखा है लाइक कॉलेज के बाद या तो लोग लाइक एक्टिंग में जाते हैं या तो एकेडमिक्स में कंटिन्यू करते हैं या स्पोर्ट्स में कंटिन्यू करते हैं, बट योर फील्ड इज टोटली डिफरेंट. यू वेंट इनटू माउंटेनियरिंग, सो व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर माउंटेनियरिंग? जैसे बोला कि वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आधा से ज्यादा लोग तो आईएएस के लिए जाते हैं, आईएएस बनेगा इंसान, या फिर थोड़ा बहुत थिएटर्स में गया तो फिर एक्टर्स वगैरह. मेरा माउंटेनियरिंग में जाने का ये था कि मैं बचपन से, मैं उत्तराखंड में था, आर्मी स्कूल रुड़की में था, तो पहाड़ों से गिरा था तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में इंटरेस्ट था ही मुझे. तो जब मैं वहां से आया फिर मैंने 10th में था मैं, तो 10th से फिर मैंने घूमना स्टार्ट कर दिया. आई वाज लाइक एक्सप्लोरिंग प्लेसेस, फिर कल्चर, बाकी सारी चीजों को देखना और इधर उधर से. फिर उसके बाद कॉलेज में आए, कॉलेज में सोसाइटी हुआ करती थी, एडवेंचर क्लब. अच्छा, तो वहां से कुछ चीजें ऐसी हुई टच हमें कि भाई वो चीज नहीं, एचओडी, एक एचओडी सर थे, उन्होंने कहा कि तुम हो कौन, तो दैट वाज लाइक कि हम हैं कौन सर, हम स्टूडेंट एंड वी वांट टू स्टार्ट दैट एडवेंचर क्लब. तो चीजें स्ट्राइक करी, उन्होंने कहा हो कौन, पहले जाके खुद को बिल्डअप कर फिर जाके चीजें स्टार्ट करना. एंड साथ ही साथ एक बार मैं गया था सेंट स्टीफन कॉलेज जो कि बगल में ही है, तो वहाँ पे हाइकिंग क्लब हुआ करता था, सो हाइकिंग सोसाइटी, वहाँ पे उनकी वॉल भी है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में. मैंने नेशनल खेला स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में, आगे मेरा यही गोल है कि मैं ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूँ खुद को और इंडिया को भी. तो वहां से फिर रिजेक्शन मिला, तो फिर कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आगे करना था लाइफ में, तो एक चीज वही क्लिक करी, फिर चीजों को रिसर्च करना स्टार्ट किया. एंड फिर एक यही चीज लगी कि माउंटेनियरिंग एक ऐसी चीज है कि जो एडवेंचर से लेके वो एक्सट्रीम एडवेंचर है, तो इसीलिए हम फिर माउंटेनियरिंग में घुसा, फिर एवरेस्ट, एंड फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ती.
सो लाइक ये एडवेंचर क्लब पहले से ही था या लाइक बाद में स्टार्ट हुआ? ये ऑन डॉक्यूमेंट तो बहुत पहले से था, 13-14 सालों से था, लेकिन कभी कभी कहते हैं सरकारी काम हो तो फिर वैसे ही चीजें पड़ी रहती हैं, चलती रहती हैं, फंड्स आते रहते हैं, लोग जब तक आप किसी चीज को पिन आउट ना करिए कि ये चीज होगी कैसे, तब तक तो बस इट लाइक हाँ ठीक है चल रहा है, चलने दो। चीजें हमने निकाली वहां से कि ये एडवेंचर सोसाइटी है तो साला अभी तक चल क्यों नहीं रहा, इतने सालों से बंद है। अब वो कहते हैं कि चल रहा है लेकिन चल तो रहा नहीं था रियलिटी में, तो उन्हीं सारी चीजों को लेके हम आगे आए थे, तो उसी रिजेक्शन की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ जो भी मैंने अचीव किया है। कोई इनिशिएटिव लेने वाला नहीं था एडवेंचर क्लब के लिए, राइट? या इनिशिएटिव भी कह सकते हैं, और ये भी चीज है कि किसी चीज को फेस करने के लिए ना आगे परेशानियां होंगी, तो अब हर एक इंसान लॉन्ग टर्म परेशानी तो झेल नहीं सकता, समवन लाइक कि वो बीच में क्विट कर दे। बट कुछ चीजें अच्छी हुई थी कि एट द एंड कॉलेज से निकलते निकलते मैं एडवेंचर क्लब का प्रेसिडेंट बन के निकला। ओह नाइस। या तो सो लाइक यू वेंट फॉर द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2018, राइट? या एंड you quitted 6200 meter because you were not well. So like how do you take these failures and rejections in your life, and what one advice would you like to give to all the youngsters? Ab Everest ki journey wahi thi ki cheeze jab college se start hui, rejections dekho har kisi ki life mein hote hain. The only thing I have to believe ki rejections meri life mein mere ko ek positive way mein liya hai maine. मैंने उन रिजेक्शंस में से भी मैंने पॉजिटिव चीजें निकाली हैं कि मे बी क्या पता मेरे को और अच्छे बेटर ऑप्शंस मिले, मे बी यहाँ पे अगर मेरे को नहीं हुआ तो मेरे को इससे ज्यादा अच्छा चीजें मिली। एवरेस्ट में लाइक था कि एवरेस्ट को मैं एवरेस्ट की जर्नी थोड़ी सी बता दूँ आपको कि एक एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए अराउंड 60 days का टेन्योर होता है, ठीक है, जिसमें हमने अराउंड 45 days लिए थे क्लाइम करने के लिए। लाइक एवरेस्ट में फिजिकली मेंटली एंड फाइनेंशियली दीज थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज एक एवरेस्ट में जाने के लिए आपको अराउंड वहाँ पे पानी का रेट 600 rupees पर लीटर वाटर बॉटल, एंड तो फिर अराउंड 10 lakh rupees तो नेपाल गवर्नमेंट लेती है परमिट का, तो फाइनेंशियली भी इंसान को मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। रिजेक्शन तो बात की बात है कि आप पहले एक जगह तक पहुंचेंगे, लेकिन बट फाइनेंशियली आपके पास उतना होना चाहिए कि आप वहां तक पहुंच सके कोई भी चीज को करना। वहां से स्टार्ट हुआ, बेस कैंप तक पहुंचे, बेस कैंप तक भी लाइक कभी कभी एक आध क्राइसिस हुए मेरे साथ, वे आई वाज एट द डेथ जोन, बट चीजें रिकवर हुई। फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़े, जब 6200 meters तक पहुंचा मैं कैंप 2 तक, तो वहां क्लाइंब करने के बाद मैं वहीं पे पहुंचने ही वाला था तो एक छोटा सा क्रिवास पड़ा, एंड मेरा वहां पे पैर स्लिप करता है एंड मेरा जो गॉगल्स था वो टूट जाता है। तो वहां पे जब टूटता है फिर आगे जर्नी थोड़ी सी बची रहती है आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पे तो ये पूरा आइस नेकेड हो गया, तो चीजें ये थी कि जब स्नो चलती है तो जब आपके आइस पे हिट करता तो कहीं ना कहीं से मेरे को ना एक स्नो ब्लाइंडनेस हो गई, कि 50% से ऊपर मेरी विजिबिलिटी डाउन हो चुकी थी। और एट द एंड अगर मेरे पास एक ही सजेशन था कि मैं अगर नहीं क्विट करता तो मैं यहाँ वापस नहीं बैठ पाता। शेरपा ने मेरे एक बहुत अच्छी बात मेरे से कही थी कि नीतीश देख एवरेस्ट तो यहीं का यहीं रहेगा, जान बची रहेगी तो तू दोबारा आएगा। बट मैंने दाई बोलते हैं, उन्हें बड़े भाई की तरह मानते हैं, तो उन्हें हमने बोला दाई 45 days लगे यहाँ तक पहुंचने, सिर्फ और सिर्फ 2000 meters बचे, एवरेस्ट की चोटी वहां से दिख रही थी, और कोई बंदा इतना पास आके कैसे क्विट कर सकता। तो वो सबसे हार्डेस्ट टाइम था मेरे लिए, लेकिन फिर एट द एंड ये भी चीज थी कि अगर जान बची रहेगी तो मैं दोबारा आऊंगा, अदरवाइज लाइक यहीं पे मेरी जर्नी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बहुत ज्यादा मुश्किल था, और वहां से सिर्फ मैंने ये चीजें थी ना, एवरेस्ट ने मेरे सारे लाइफ के सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए, who I am and where I stand, and फिर वहां से चीजें मेरी, ऐसा नहीं था कि एवरेस्ट रिजेक्शन के बाद चीजें बंद हो गई, नहीं, वहां से मैंने अपनी चीजें पॉजिटिव में ली एंड मैंने सारी चीजें खोलना स्टार्ट कर, लाइक मेरे को आगे फ्यूचर में क्या एक्सप्लोर करना है, मेरे को कहाँ तक स्टैंड लेना है, तो वो सारी चीजें।
और सिर्फ यंगस्टर्स को यही कहूंगा कि अगर लाइफ में तुम्हें कुछ करना है ना, ऑब्स्टिकल्स हमेशा हर किसी की लाइफ में, लाइक एक एवरेस्ट है, किसी एक माउंटेन को ले लो, तुम्हें क्लाइंब करना है तो एक पीक तक पहुंचने के लिए ना तुम्हें कम से कम 20 to 30 माउंटेन्स क्लाइंब करने, तब तुम बेस कैंप तक पहुंचोगे। तो इट्स लाइक सेम लाइफ की तरह है कि अगर एक जगह तक सक्सेस तक पहुंचना तो हर्डल तो तुम्हारी लाइफ में 20, 30, 40, 50 तो आएंगे, कमजोर तो तुम पड़ोगे, लेकिन यही है एट द एंड जब तक तुम गिव अप ना करो तो वही चीज लाइफ सिंपल सा है कि लाइफ में अगर किसी चीज पे गिव अप मत करो, आगे बढ़ते रहो। सो लाइक एक तो आपने बताया लाइक फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है अगर माउंटेनियर बनना है, तो व्हाट आर द अदर चैलेंजेस यू फेस एज बीइंग अ माउंटेनियर? फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक ओके डेली रूटीन, सुबह 4 बजे उठना, फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे पूरा वर्कआउट करना, लाइक रनिंग, स्टेमिना बिल्डअप करना, एंड फिर उसके बाद, एंड मेरे लिए ये कठिनाई थी कि मेरे को अपना फिजिकली भी देखना है, फिर उसके बाद सेकंड चीज ये थी कि मेरे को कॉलेज भी जाना है, फिर थर्ड चीज ये भी थी कि मेरे को एक टाइम पे पढ़ाई भी करनी है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो हर एक तरीके से प्रेशर था। एंड बीइंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली तो घर से भी प्रेशर हुआ करता था कि कैसे करोगे, कैसे चीजों को मैनेज करोगे, तो सारी चीजें एट द एंड कहते हैं ना कि मैंने जब भी आज तक किया है कि कोई भी चीज ली है तो एक लाइफ में यही चीज रखा है कि हो जाएगा, भरोसा रखो, एंड सेल्फ बिलीव इज द बेस्ट थिंग। सो लाइक व्हाट इज योर वर्कआउट रूटीन, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? मैं लाइक 4:30 पे उठता हूँ, पहले तो मैं अराउंड 7 to 8 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ डेली, लाइक उसके बाद 5 या डेली, अभी तो थोड़ा बारिश हो रहा था तो मैंने स्किप किया था, अच्छा घर वाले थोड़ा सा मना करते हैं, फिर उसके बाद अराउंड 4 to 5 किलोमीटर मैं डेली रनिंग करता हूँ उसके बाद, एंड फिर उसके बाद एक नॉर्मल सा स्ट्रेचिंग एंड पूरा लाइक क्रंचेज एंड नॉर्मल सा फिटनेस वाला वो सब, एंड उसके बाद प्रॉपर डाइट ड्रिंकिंग एंड ऑल, बस वही सारी चीजें। So you also have an NGO in Gorakhpur. So what was your motive for starting this NGO? उस NGO को स्टार्ट करने का सिंपल सा एक यही फंड है कि I was like inspired by my mother, कि उन्होंने सिर्फ हमेशा एक चीज देखी है कि like I don't have a father, 99 में ही पास जाते, तो उन्होंने ना हमें एक बेटर एजुकेशन, हर एक चीजों को उन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से दिया कि उन्होंने कभी उस चीज की कमी नहीं हुई, एंड उनसे चीजें ये सीखी हैं कि कभी लाइफ में ना कोई भी एक ऐसी चीज है कि एजुकेशन ऐसी चीज है कि तुम एक भिखारी को पैसे दे सकते हो, लेकिन अगर तुम एक दिन का तुम उसका खाना का करोगे, अगर तुम उसे एजुकेशन दे दो तो वो इंसान लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो जाए। एंड मेरी लाइफ का यही मोटिव था कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी अपनी लाइफ में वो कोई इंसान ना फेस करे, तो इसलिए मैंने जलसा फाउंडेशन रखा उसका नाम, एंड पिछले 3.5 सालों से हमने उस पर वर्क किया है, एंड अभी कोविड में ही हमने अराउंड अराउंड नहीं तब भी 50,000+ लोगों को हमने पीट किया था पर डे, अराउंड 60 डेज हमने डेली पीट किया है 400-500 लोगों को डेली। तो लाइक आप मेनली किसके लिए काम करते हो, लाइक बच्चों के लिए या सभी के लिए? मेनली तो हमारा फोकस था एजुकेशन पे बच्चों के लिए, लेकिन अगर इस फील्ड में उतरे हैं तो इट्स लाइक कि जिसको जरूरत है ना उस तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए, हम किसी चीज पे वो नहीं कहते कि कैटेगराइज यही है कि बच्चों को ही या बड़ों को ही, नहीं, द वन हु नीड इट ही ऑलवेज देयर। ओके नाइस, सो लाइक यू पास्ड आउट लास्ट ईयर, सो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल? अभी तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, लाइक आई टुक अ 1 year गैप, कुछ चीजें थी, कुछ जर्नीज थी मेरी, उस पे वर्क कर रहे थे, एंड देयर वर लाइक सम प्लान्स, अभी कोविड से पहले आई वाज प्लानिंग फॉर साउथ अफ्रीका, आई हैड अ फ्लाइट लाइक 7 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी, बट 7 दिन पहले ये कोविड आ गया बीच में, अदरवाइज आई वुड हैव क्लाइम्ब दैट, तो ये चीजें थी, फिर बीच में आई वाज वर्किंग ऑन माय स्टार्टअप, वो भी चीजें थी, चल रही हैं, देखते हैं कब तक चीजें होती। व्हाट टाइप ऑफ स्टार्टअप आई हैव अ प्लान कि मैं
अभी मेरा एक खुद का डिजिटल मार्केटिंग की मैं फॉर्म पब्लिश करने वाला हूँ जल्दी, तो उसी चीज पे वर्क कर रहे हैं. एंड वन ऑफ माय ट्रेवल एजेंसी भी है ट्रैक दुनिया में, भी उसे भी हम लॉन्च कर रहे हैं अभी कोविड के बाद. Nice. So like, you know, Nitish, what I feel is बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस नहीं करते हैं. लाइक आप किसी भी फील्ड में हो, बीइंग अ स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स और एनी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कम्युनिकेशन इज समथिंग यू नीड, राइट? लैंग्वेज कोई भी हो, कम्युनिकेशन मैटर्स, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग? कम्युनिकेशन तो एक ऐसी चीज है ना, सिंपल सा कहते हैं कि अगर मेरे को किसी से बात करनी, द वे मैं किसी को अगर इम्प्रेस करना है तो सबसे पहली चीज होती है प्रेजेंटेशन. Right. अगर आप खुद ही वेल ड्रेस नहीं हो, बाकी सारी चीजें नहीं हो, तो सामने वाला एंटरटेन नहीं है. बीइंग इन लाइक कि अगर कोई सा भी एक बंदा है, अगर प्रोफेशनल नहीं है, लाइक अगर मैं हूँ, मेरे को किसी मिनिस्टर से मिलना है, किसी डीएम कमिश्नर, किसी से मिलना है, तो अगर मैं खुद का अपना पर्सनल बिहेवियर नहीं चेंज करूंगा, मैं खुद की ड्रेसिंग अच्छे से नहीं करूंगा, तो सामने वाला वो मेरे से ज्यादा सुपीरियर है, ही वोंट बी एंटरटेनिंग. तो कम्युनिकेशन तो ऐसी एक चीज है ना कि आपको सामने वाले को कैसे इम्प्रेस करना है, कैसे बात करनी है सामने वाले से, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है. एंड उस चीज पे तो हर एक इंसान को वर्क करना चाहिए, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन और आपकी प्रेजेंटेशन दोनों चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी फील्ड में. सो लाइक व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू ऑल द एस्पायरिंग माउंटेनियर्स? आगे बढ़ते रहो, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे. बस यही है, रुकना नहीं है. और हमारी फील्ड में तो हारता कोई नहीं है, इनफैक्ट जीतता हर एक इंसान है जब एक टॉप पे पहुंच जाता है. और टॉप पे पहुंचने के बाद तो एक फिर वो दूसरा समिट दिखता है कि इससे ऊंचा तो एक और चीज. तो वही चीज है कि आगे रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना. Okay, it was really nice conversation with you, and your story, I hope it will inspire all the people who will watch this video. So thank you so much for joining us, and I really wish you all the best for your future. Thank you so much. Thank you. It was really nice talking to you. Thank you.